इंदौर में 100 करोड़ का लोन घोटाला करके फरार हुए आरोपी गुरदीप चावला और रिक्की चावला के खिलाफ गैंगरेप के मामले में तुकोगंज पुलिस ने इनके ऑफिस पर छापामार कार्रवाई की। इस कार्रवाई में पुलिस को उनके जंजीरवाला चौराहे स्थित ऑफिस से कई आपत्तिजनक वस्तुओं के साथ कैमरे भी मिले हैं। गुरदीप चावला और रिक्की चावला के खिलाफ फर्जी लोन के 5 मामले दर्ज हुए हैं। वहीं एक लड़की ने इन दोनों बदमाश भाइयों पर बलात्कार और गैंगरेप का मुकदमा भी दर्ज कराया। इसी मामले की जाँच पड़ताल के लिए पुलिस ने जंजीरवाला चौराहे स्थित कार्यालय पर छापा मारा। एक दुष्कर्म का केस है जिसमें गुरदीप चावला और रणदीप चावला दो लोग आरोपी हैं। इनकी तलाश में इनके दफ्तर को हमने दबिश दी थी। ये 502 504 मैग्नेट टावर पे है। वहाँ पर कई सारी आपत्तिजनक चीज़ें मिली हैं जिसमें महिलाओं के अंतर्वस्त्र हैं, कुछ हिडन कैमरे हैं और कुछ अश्लील वस्तुएँ भी वहाँ पर मिली। हाँ सर, दिल्ली भी आपने दो तीन बार जो है इसकी तलाश की? दिल्ली में हमारी टीम गई थी और लगातार हमारी टीमें इसकी तलाश कर रही हैं।